उपराजधानी दुमका में डायरिया का कहर देखने को मिला है। डायरिया से दो मरीजों की मौत का सामने आया है। डायरिया की चपेट में पूरा गांव आ चुका है। मौके पर स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची है। दर्जनों लोगों का इलाज चल रहा है। मामला शिकारीपाड़ा प्रखंड के सरस डंगाल गांव का बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर दुमका से बता दे कि डायरिया का कहर उपराजधानी दुमका में देखने को मिला, जहां पर दो लोगों की मौत हो गई है और पूरा गांव डायरिया की चपेट में बताया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग फिलहाल अलर्ट हो चला है और मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग लोगों की जांच भी करता नजर आ रहा है। मामला शिकारीपाड़ा का बताया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बड़ी खबर बता दें कि उपराजधानी दुमका से सामने आया है, जहां पर दो लोगों की डायरिया से मौत हो गई है, वहीं पूरा गांव डायरिया की चपेट में आ चुका है। सामने आ रही है, बता दें कि डायरिया के चपेट में दो लोगों की मौत हो गई है, वहीं पूरा गांव डायरिया की चपेट में आ चुका है। इसका असर जो है, स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है वहां पहुंची हुई है और इस मामले को लेकर पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। सामने आ रही है, जहां पर डायरिया का कहर देखने को मिल रहा है, दो लोगों की डायरिया की वजह से मौत हो गई है, वही पूरा गांव डायरिया की चपेट में आ गया है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो चला है। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में पहुंची है और घर घर जाकर लोगों का इलाज किया जा रहा है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं संवाददाता ललित पाल। ललित, फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी मैं बता दूं, शिकारीपाड़ा के सरसडंगाल में कल से ही लोग यहाँ डायरिया के प्रकोप से ग्रसित है। आपका सरसडंगाल गाँव है, यहाँ कल से ही करीब 5-6 की संख्या में शिकारीपाड़ा में उन लोगों का इलाज चल रहा था और आज को शिकारीपाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की टीम वहां कैंप की शिविर लगाया गया, जहां उन लोगों का इलाज किया जा रहा था। इस संबंध में डॉक्टर ने बताया कि ये कैसे हुआ फिलहाल अभी जानकारी नहीं है। जब तक सभी का सैंपल नहीं लिया जाएगा तब तक इस बारे में कहा नहीं जा सकता है। हालांकि ललित, गांव वालों का क्या कुछ कहना है? कितने दिन पहले लोगों को ये जानकारी मिली कि वहां के लोग डायरिया से ग्रसित हैं? जी ये आपको मैं बता दूं, ये कल से ही हो रहा है, ठीक है। इससे पहले भी शिकारीपाड़ा प्रखंड में सोनाढाप गांव में, आपका चित्रागढ़िया गांव में हुआ है, डायरिया का प्रकोप हुआ है। ललित, कहीं ना कहीं दूषित पानी और तरह तरह की समस्याएं जो है वो आसपास होंगी, तभी इस तरह से लोग जो है चपेट में आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? जी स्वास्थ्य विभाग तो लगी हुई है, जांच कर रही है, शिविर लगाया गया है, इलाज चल रहा है। लेकिन ये क्यों हो रहा है लगातार? और मैं आपको बता दूं, अब तक जो क्या बोलते सोनाढाप हो गया, सरसडंगाल, चित्रागढ़िया, ये सभी आदिवासी गांव में ही डायरिया का प्रकोप हुआ है। जी ललित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बड़ी खबर शिकारीपाड़ा से, बता दें कि डायरिया के चपेट में शिकारीपाड़ा आ चला है। पूरा गांव डायरिया के प्रकोप से पीड़ित नजर आ रहा है। दो मरीजों की फिलहाल की मौत की पुष्टि की गई है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो चला है। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची है, शिविर लगाया जा रहा है, हर एक लोगों की जांच की जा रही है और ये मामला जानने की कोशिश की जा रही है आखिर वजह क्या कुछ है।